3 लाख रुपए के बजट को आपका मत समझिए भाई, क्योंकि इस बजट में हमारे इंडियन मार्केट में ऐसी ऐसी बाइकें हैं ना जो कि सीधे H2R और ZX10R को टक्कर दे रही हैं। भाई ये बजट एक ऐसा बजट है ना जिसमें कि दोस्तों आपको हर टाइप्स की बाइक्स देखने के लिए मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स बाइक हो, कैफे रेसर हो, क्रूजर हो, एडवेंचर हो, एंड भाई आप रेगुलर यूज के लिए क्यों ना ले रहे हो, इस बजट में आपको हर तरह की बाइकें देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप एक राइडर बनना चाहते हो तो इनसे आप अपना सपना भी पूरा कर सकते हो। सो दोस्तों नंबर 7 पे हमने रखा हुआ है हार्ले डेविडसन की X440 को। अब भाई आमतौर पर हार्ले डेविडसन जो कंपनी है ना भाई, ये 20-30 लाख रुपए वाली बाइक से नीचे तो बात ही नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों जो इंडियन मार्केट में रॉयल इनफील्ड का दबदबा जो बढ़ता जा रहा है, तो इसको दबदबा कम करने के लिए सारी कंपनियां अपनी जोर लगा रही हैं, और इसीलिए दोस्तों हार्ले डेविडसन ने भी इस प्राइस सेगमेंट में अपनी बाइक को लॉन्च किया है हमारे इंडिया में। हार्ले डेविडसन X440 एक रोडस्टर बाइक है, तो भाई साहब इसमें आपको परफॉर्मेंस एंड दोस्तों राइडिंग एक्सपीरियंस टॉप लेवल की मिलने वाली है। दोस्तों इसमें हमें 440cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दोस्तों 1 सिलेंडर इंजन है, एंड दोस्तों इसमें हमें पावर मिलता है 28 PS की, एंड हमें टॉर्क मिलता है 38 Nm की। दोस्तों पावर एंड टॉर्क आपको बिल्कुल ही सही देखने के लिए मिल रहा है, एंड दोस्तों इसमें हमें माइलेज मिल जाता है 35 km/h की, एंड दोस्तों इस बाइक की जो टॉप स्पीड है ना, ये हमें देखने के लिए मिलती है 135 km/h की। दोस्तों रोडस्टर बाइक के हिसाब से जो टॉप स्पीड है ना, बिल्कुल सही है। अभी इतना ही नहीं दोस्तों, इस गाड़ी की एक एक फीचर्स की मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप बने रहिएगा, विश्वास करिए दोस्तों आप एकदम परफेक्ट बाइक ले पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों ये है हमारे सामने इस बाइक की कुछ एक्सटीरियर डिजाइन, जो कि देख सकते हो यार कितनी ज्यादा लग्जरी डिजाइन भी इस बाइक के देखने के लिए मिल रही है। इसमें हमें ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर एंड ट्रिप मीटर इस बाइक में हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ इस बाइक में हमें स्विचेबल ABS, TRLs एंड नेविगेशन, सर्विस ड्यू इंडिकेटर एंड दोस्तों हॉर्न एंड सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये है इस बाइक का फुटरेस्ट, एंड ये देखने के लिए मिलेगा इसका स्टैंड, एंड दोस्तों इसमें मिलते हैं LED DRLs एंड LED हेडलाइट एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर। ये है इस गाड़ी का मिरर, ये है इस गाड़ी का इंजन, कंप्रेसर एंड हॉर्न, एंड इसके अलावा इस गाड़ी का साइड लुक है, एंड देखने में लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है गाड़ी। दोस्तों ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा ही लग्जरी देखने के लिए लग रहा है। दोस्तों ये है इस गाड़ी का फ्यूल टैंक, ये दोस्तों 13.5 लीटर का है, एंड दोस्तों ये है इसका एलॉय व्हील्स, जो कि हमें 17 इंचेस के देखने के लिए मिल जाएंगे। ड्यूबल ABS चैनल का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ड्यूबल डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड दोस्तों इस गाड़ी की एक बड़ी सी सीट देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस है 2.40 लाख रुपीज X100 है। सो दोस्तों नंबर 6 पे हमने रखा हुआ है ट्रंप की स्क्रैम्बलर 400 को। हो सकता है कि आप इस कंपनी का नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, एंड दोस्तों ये जो बाइक है ना हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ही बढ़िया तगड़े लेवल की बाइकें बनाती है। दोस्तों इस बाइक में हमें 400cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन है। ये इंजन हमें पावर देता है 40 PS की, एंड टॉर्क देता है 37 Nm की। दोस्तों इसमें माइलेज 28 km/h की मिल जाएगी, एंड टॉप स्पीड 150 km/h तक की देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक एंड साइड लुक, एंड दोस्तों ये है इस गाड़ी का USB पोर्ट, एंड दोस्तों इसमें यह है इस गाड़ी का लाउड साइलेंसर, जिसे आप दोस्तों बहुत ही आसानी से मॉडिफाई करा सकते हो। एंड दोस्तों यह है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, एंड यह है इस गाड़ी में हमें एनालॉग स्पीडोमीटर, डिजिटल ओडोमीटर, एंड यह है सेल्फ स्टार्ट बटन, एंड यह है इसका हॉर्न का बटन। यह है दोस्तों इस गाड़ी का इंजन का लुक, एंड यह है इस गाड़ी का स्टैंड, यह है इस गाड़ी का LED DRLs एंड हेडलाइट, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाइट रोशनी का पैदा करता है। यह है इस गाड़ी का इंडिकेटर, कंप्रेसर, हॉर्न, एंड दोस्तों इसमें हमें मिलता है 30 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी। यह है इस गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर, एंड हमें कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसमें दिया गया 17 इंचेस का एलॉय व्हील्स विद ड्यूअल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूअल ABS चैनल। एंड यह है इस बाइक का रियर व्हील सेम एज फ्रंट व्हील। यह है साइड लुक, ट्रिम के लोगो, एंड ये इस गाड़ी का सीट विथ 3 पीपल्स, यू कैन सीट इजली। एंड स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस बाइक इज 2.64 लाख रुपीज X-Showroom इन इंडिया। एंड सो नंबर 5, एंड हेयर इज KTM ड्यूक 250। दोस्तों इस बाइक का भी अपना एक अलग ही जलवा होता है, कॉलेज स्टूडेंट से जाकर पूछो यार, क्योंकि ये उनकी ही लवर बाइक है। दोस्तों इस गाड़ी की जो पिकअप होती है एंड साउंड होती है यार, गजब की नेक्स्ट लेवल की एकदम होती है, एंड परफॉर्मेंस के मामले में तो भाई साहब इस गाड़ी को कोई बाइक टक्कर ही नहीं दे पाई। लुक्स एंड डिजाइन भी एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। सो दोस्तों इसमें 250cc का इंजन मिलता है विद सिंगल सिलेंडर के साथ में, जो हमें पावर देता है 31 PS की, एंड टॉर्क मिलता है 25 Nm की। दोस्तों इस बाइक में हमें 30 km/h की माइलेज देखने के लिए मिल जाएगी, एंड जो दोस्तों टॉप स्पीड है ये भी हमें
170 kmph के अराउंड तो मिल ही जाता है भाई। दोस्तों कुछ छपरी लोगों ने ना इस छपरी हरकतों की वजह से इस कंपनी को पूरी तरह से बदनाम कर डाला है, लेकिन दोस्तों KTM कंपनी भी अब सख्त हो गई है इन छपरी लोगों के लिए एंड जल्दी कोई स्कीम लेकर के आएगी ताकि ये दोस्तों गाड़ी को बदनाम होने से बचाया जा सके। भाई अब चलिए चलते हैं एक नज़र इसकी बाइक के लुक्स पे मार लेते हैं एंड ये है इस बाइक का कुछ लुक्स। भाई साहब गजब ही किलर लुक है यार एंड दोस्तों यार साइड का लुक गजब एट्रैक्टिव है भाई साहब। गियर्स एंड फुटरेस्ट एंड ये है इस गाड़ी का साइलेंसर एंड हेयर इज रियर व्हील एंड LED हेडलाइट विद LED टेल लाइट एंड दोस्तों ये है इस गाड़ी का साइड लुक। ये 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो कि ड्यूअल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूअल ABS चैनल के साथ में आते हैं। ये है इंजन का साइड लुक एंड ये है सस्पेंशन एंड दोस्तों ये है गाड़ी का रियर व्हील जो कि सेम है सेम फ्रंट व्हील की तरह। दोस्तों बाइक की प्राइस स्टार्ट होती है 2.41 लाख रुपीज एक्स शोरूम से। सो दोस्तों नंबर 4 पे हमने रखा हुआ है QA की K300R। दोस्तों ये एक स्पोर्ट बाइक है एंड दोस्तों इसका लुक्स एंड डिजाइन यार काफी ज्यादा भड़कीला है यार। अगर आप एक प्योर स्पोर्ट लवर हो तो भाई ये बाइक आपके लिए काफी ज्यादा ही फिट हो सकती है एंड दोस्तों इसमें हमें 300cc का इंजन देखने के लिए मिल जाएगा विद 1 सिलेंडर के साथ में जो हमें पावर देता है 28 PS की एंड हमें टॉर्क मिलेगा 25 Nm की। दोस्तों 32 kmpl की इसमें हमें माइलेज देखने के लिए मिल जाएगी एंड टॉप स्पीड दोस्तों 170 के अराउंड देखने के लिए आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों अब ये है इस बाइक के कुछ पिक्चर्स यार गजब के भाई सब डिजाइन है। यह है बैक डिज़ाइंस, यह है साइड डिज़ाइंस एंड फ्रंट डिज़ाइन यार वाओ यार गजब की लुकिंग बाइक है। एंड हेयर इज़ ए स्पीडोमीटर डिजिटल स्पीडोमीटर ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर एंड हेयर इज़ की होल्डर एंड साइड बटन एंड हैंडल एंड दोस्तों यह है फुट रेस्ट विद गियर एंड फुट रेस्ट विद ब्रेक एंड ये है इस गाड़ी का स्टैंड। ये है LED हेडलाइट एंड LED टेल लाइट एंड दोस्तों ये है छोटा सा मीटर दिया गया है एंड दोस्तों ये सामने का लुक है यार गजब किलर का लुक है। यह कंप्रेसर है, यह इस गाड़ी का साइलेंसर एंड ये है इस गाड़ी का हॉर्न। 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स विद ड्यूअल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूअल ABS चैनल के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा एंड ये एक ट्यूबलेस टायर है। एंड दोस्तों इस गाड़ी में हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा एंड यह है इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो हमें 12 लीटर का दिया गया है एंड ये है इस गाड़ी का यार प्लास्टिक का फ्रेम एंड इस गाड़ी में हमें देखने के लिए मिलेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस गाड़ी का फ्रेंड लोग। दोस्तों इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 2.65 लाख रुपीज़ से हमारे इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो जाती है। सो हेयर है नंबर 3 पे चलते हैं एंड यहाँ पर है TVS की अपाचे RR 310। ये बाइक दोस्तों TVS की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक्स है एंड दोस्तों इसका 2024 वाला वेरिएंट इसी साल हमारे इंडियन मार्केट में अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है एंड दोस्तों इसमें हमें 300cc की इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है। यह इंजन हमें पावर देता है 38 PS की एंड टॉर्क मिलता है 29 Nm की। दोस्तों 11 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगी। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं ड्यूअल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूअल ABS चैनल के साथ में विद ड्यूअल डिस्क ब्रेक एंड दोस्तों इसमें हमें माइलेज 35 kmpl का देखने के लिए मिलता है एंड जो टॉप स्पीड ये हमें 180 kmph तक देखने के लिए मिल जाएगी। इस बाइक में ड्यूअल ABS चैनल कंट्रोल ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्टिविटी का सपोर्ट LED हेडलाइट टेल लाइट एंड दो फॉग लाइट एंड इसके साथ ही साथ इसमें हमें डिजिटल स्पीडोमीटर ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट में इस बाइक की जो प्राइस है ये 2.75 लाख रुपीज के एक शोरूम प्राइस में स्टार्ट हो जाती है। सो दोस्तों नंबर 2 पे चलते हैं एंड यहाँ पर हमने रखा हुआ है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 को। अब भाई साहब कोई भी बंदा जो ऑफ रोडिंग करना चाहता है या फिर लद्दाख का टूरिज्म करना चाहता है भाई साहब ये जो बाइक है ना ये उसकी फेवरेट बाइक है एंड दोस्तों बहुत ही राइडर जो है इस बाइक का इस्तेमाल करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। भाई साहब ऑफ रोडिंग की किंग है ये बाइक। भाई इसमें हमें 450cc का 4-स्ट्रोक वाला सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि हमें पावर देता है 40 PS की एंड हमें टॉर्क मिलता है 40 Nm की। ये बाइक हमें माइलेज देती है 30 kmpl की एंड जो दोस्तों टॉप स्पीड है इस बाइक की वो है 135 kmph तक की इस बाइक की टॉप स्पीड है। एंड दोस्तों इस बाइक में हमें ना मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ स्विचेबल ABS देखने के लिए मिल जाएगा, राइडिंग मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, नेविगेशंस मिल जाएंगे, स्पीडोमीटर ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर ये हमें डिजिटल देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही LED इसमें हमें हेडलाइट देखने के लिए मिल जाएगी और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ दी गई हैं क्योंकि दोस्तों आप मतलब कि नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं रह पाओगे लद्दाख साइड में इसलिए इतनी ज़्यादा फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगी। यह इस बाइक का कुछ लुक्स एंड दोस्तों ये पिक्चर्स में बाइक का गजब किलर लुक्स इस बाइक में देखने के लिए मिल रही है। एंड दोस्तों ये है इस गाड़ी का स्पीडोमीटर एंड ये है इस गाड़ी का की एंड
यह है इस बाइक का गियर एंड यह है ड्यूअल स्टैंड एंड यह है दोस्तों सिंगल स्टैंड। यह है इस बाइक का LED हेडलाइट इंडिकेटर एंड ये साइड का ग्लास एंड 17 नहीं इसमें हमें 18 इंचेस के बड़े टायर्स देते हैं जो कि दोस्तों ड्यूअल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूअल ABS के साथ में आते हैं एंड इसमें हमें 17 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। दोस्तों ये है इस गाड़ी का रियर व्हील जो कि दोस्तों सेम है फ्रंट व्हील की तरह। इसकी स्टार्टिंग प्राइस हमारे इंडियन मार्केट में 285,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है एंड ये चलते हैं हम नंबर 1 पे एंड यहाँ पर है दोस्तों BMW की G310RR। वैसे दोस्तों BMW भी ना काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कंपनी है, ये भी जो बाइक बनाती है ना 20-30 लाख रुपये से नीचे तो बात ही नहीं करती। लेकिन भाई साहब चूँकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इसलिए ये जो कंपनियाँ हैं ना बाइक के अपने बहुत ही बजट में लेकर आ रही हैं। सो दोस्तों इस बाइक में हमें 300cc का इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। भाई ये इंजन ना 4 स्ट्रोक वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है। ये हमें पावर देता है 34 PS की एंड हमें टॉर्क देता है 27 Nm की। दोस्तों इसमें हमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूअल अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे ड्यूअल ABS चैनल के साथ में। 12 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। 13 KMPL की माइलेज जिसमें हमें देखने के लिए मिल जाएगा एंड जो टॉप स्पीड है ना दोस्तों ये हमें 180 KMPH तक देखने के लिए मिल जाता है। इस बाइक में हमें डिजिटल स्पीडोमीटर ऑडोमीटर एंड ट्रिप मीटर मिलते हैं। LED टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे ड्यूअल ABS चैनल ड्यूअल डिस्क ब्रेक के साथ में। एंड दोस्तों इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 3,05,000।